वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लस वन कॉमर्स सेक्शन के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इस क्लास में आपका स्वागत है। वी आर डिस्कसिंग द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, रोजनामचे की प्रथम पुस्तक रोजनामचा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने रोजनामचा कैसे बनाया जाता है, रोजनामचा को बनाने से पहले कौन कौन सी बातें हमने ध्यान में रखनी है, ओपनिंग एंट्रीज क्या होती हैं, कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं, देन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स हमने डिस्कस की हैं। तो अब तक जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है उससे संबंधित हम जो है वो एक न्यूमेरिकल सेक्शन आज डिस्कस करेंगे। तो लेट बी टेक ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं, यश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5000, देन फर्नीचर 2000 एंड स्टॉक रुपीज 5000। तो यश जो है वो बिजनेस शुरू करता है कैश लगाकर 5000 रुपया, फर्नीचर 2000 रुपया लगाकर और स्टॉक जो है वो 5000 रुपया लगाकर। तो इस लेन देन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक कैश, ओके, देन वी हैव अ फर्नीचर, देन वी हैव अ स्टॉक। ये तीन चीजें, तीन एसेट्स जो है वो तीन संपत्तियां लगाकर जो है वो यश जो व्यवसाय का स्वामी है वो व्यवसाय को शुरू करता है। तो इस लेन देन में कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट जो है ये तीनों क्या है, एसेट्स। और एसेट्स जो है वो रियल अकाउंट में आती हैं और रियल अकाउंट का हमारा रूल होता है डेबिट वाटर कम्स इन एंड क्रेडिट वाटर गोज आउट। तो इन तीनों को लगाकर जो है वो व्यवसाय से व्यवसाय को शुरू किया जा रहा है। तो जिस भी राशि से व्यवसाय शुरू किया जाता है उसे व्यवसाय की पूंजी कहा जाता है। तो इस लेन देन को जब हम रोजनामचा में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, तो जैसे कि हमें दिया गया है 2021 जून 1st, तो क्योंकि कैश व्यवसाय में आ रहा है, देन फर्नीचर व्यवसाय में आ रहा है, स्टॉक व्यवसाय में आ रहा है, तो डेबिट वाटर कम्स इन। तो एंट्री, जर्नल एंट्री हमारे पास हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, देन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, देन स्टॉक या गुड्स भी इसे आप लिख सकते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट, और जिस राशि से चाहे वो संपत्ति है या वो नगद राशि है या संपत्ति के रूप में व्यवसाय शुरू किया जाता है उसे व्यवसाय की पूंजी कहा जाता है। तो एंट्री जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, देन स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कितने रुपया जो है वो कैश लगाकर व्यवसाय शुरू किया जाता है, देन इट इज 5000 और फर्नीचर जो है इट इज 2000 एंड स्टॉक इज अगेन 5000। तो कैपिटल में टोटल हो जाएगा हमारे पास 12000। नरेशन सिंपली ये हमने आपको बताया है कि हम नरेशन लिखने से पहले बीइंग वर्ड लिखते हैं। तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, देन फर्नीचर एंड स्टॉक। तो इस तरह से जो है हम ये रोजनामचा प्रविष्टि कर सकते हैं। देन सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है वो आप देख सकते हैं, पेड रेंट रुपीज 500, वेजेस रुपीज 200 एंड सैलरी रुपीज 800। तो थर्ड जून को हमारे पास जो है वो जो लेन देन हुआ रेंट पे किया, तो इस लेन देन में एक रेंट अकाउंट आ जाएगा हमारे पास, देन सेकेंडली पे किया वेजेस, तो वेजेस अकाउंट आ जाएगा, देन थर्डली पे किया सैलरी अकाउंट। क्लियर? तो इस लेन देन में आप देख सकते हैं कि अगर हम क्योंकि ये लेन देन 3 जून को किया गया, ठीक है, तो जून 3 हमने लिख दिया,
अब जून 3 को ही रेंट दिया गया, वेजेस दी गई और सैलरी दी गई। अगर इन तीनों ट्रांजेक्शन को हम अलग अलग करते हैं तो क्योंकि रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, वेजेस भी नॉमिनल है, सैलरी भी नॉमिनल है, क्योंकि ये एक एक्सपेंसेस है और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल जो होता है वो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रेंट दिया है, दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम किराया दे रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वेजेस के केस में भी वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। देन सैलरी के केस में भी सैलरी डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों जो है वो खर्चे जो हम करते हैं उसमें कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो तीनों एंट्रीज को अलग अलग करने की बजाय इसकी जगह हम एक ही एंट्री कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, देन वेजेस अकाउंट डेबिट, देन सैलरी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट सभी के केस में हो रहा है कैश अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से ये हम जो रोजनामचा प्रविष्टि कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा खाते डेबिट या क्रेडिट होते हैं तो उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो बीइंग क्या क्या हमने पे किया, बीइंग रेंट, देन वेजेस, देन सैलरी पेड। तो इस तरह से ये आप नरेशन लिख सकते हैं। तो रेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि 500 का रेंट पे किया, 200 की जो है वो वेजेस पे की, देन सैलरी जो है वो 800 की पे की, तो कैश में टोटल जो है वो 1500 क्रेडिटर करेंगे। तो इस तरह से जो है वो इस लेन देन को हम रोजनामचा में लिखेंगे। देन जून 5 को हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है, द ट्रांजेक्शन जैसे कि आपके सामने है, पेड फॉर द परचेज ऑफ स्टेशनरी ₹50 एंड पोस्टेज ₹50। मींस स्टेशनरी खरीदी, पोस्टेज खरीदी 50-50 रुपए की। तो इस केस में हमारे पास फिर जो जर्नल एंट्री हो जाएगी वो जाएगी स्टेशनरी देन पोस्टेज। क्लियर, तो बोथ आर एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो इनको हम डेबिट कर देंगे। तो इस केस में भी क्योंकि हम एक इकट्ठी एंट्री कर सकते हैं तो पोस्टेज पोस्टेज अकाउंट डेबिट, देन स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पोस्टेज पे जैसा कि ₹50 खर्च किए, देन स्टेशनरी पे ₹50 खर्च किए, देन ₹100 कैश में क्रेडिट। नरेशन सिंपली आप लिख सकते हैं बीइंग पोस्टेज कॉमा स्टेशनरी परचेज्ड भी लिख सकते हैं, या इसके ऊपर आप एक्सपेंसेस पेड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमने जून 5 को ये लेन देन जो है वो रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट जो है हमारे पास जैसे 7 जून को जो हमारे पास लेन देन है उसे आप पढ़ सकते हैं कि जून 7 को हमारे पास जो है वो क्या लेन देन दिया गया है। तो जून 7 को हमारे पास है सोल्ड गुड्स टू विनोद ₹2000 एंड हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। मतलब विनोद को ₹2000 की गुड्स हमने बेची हैं, लेकिन उसमें से हाफ जो है वो हाफ मतलब 50% जो है वो हमें जो है वो कैश में मिल गया है। अब इस लेन देन में आप देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास विनोद अकाउंट आ गया, एक हमारे पास कैश अकाउंट आ गया, और तीसरा हमारे पास क्योंकि गुड्स बेची हैं तो सेल अकाउंट आ गया। कैश सॉरी विनोद पर्सनल कैश रियल है। रूल हमारे पास आ जाता है पर्सनल का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो क्योंकि विनोद को हमने माल बेचा है तो विनोद अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि विनोद गिवर रिसीवर हुआ, डेबिट द रिसीवर। देन क्योंकि हाफ ऑफ द अमाउंट विनोद को हमने कितने की गुड्स बेची है 2000 की, लेकिन हाफ इसमें से जो है वो कैश मिल जाता है हमें, तो 2000 का हाफ कितना हुआ 1000। ठीक है, तो क्योंकि कैश हमें मिला है, हाफ हमें कैश मिला है, तो कैश रियल अकाउंट है, रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसलिए जो है वो कैश अकाउंट भी हमारे पास डेबिट हो जाएगा, तो क्रेडिट जो है वो हमारे पास होगा सेल अकाउंट। अब विनोद में हमारे पास 1000 आया क्योंकि टोटल सेल जो है वो 2000 की जाती है, और इसमें से
1000 जो है वो कैश मिल जाता है, इसलिए 1000 जो है वो क्रेडिट सेल रहती है। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू विनोद एंड हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश एंड हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। तो इस तरह से जो है वो हम इस लेन देन को रोजनामचा में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 77 के बाद 15th को हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है वो है गुड सोल्ड टू टी जी सुजान 4000 एंड हमारे पास है काला मंदिर 5000। ठीक है, तो दो व्यक्ति हैं, एक टी जी सुजान, तो टी जी सुजान ठीक है, और एक है काला मंदिर ठीक है, इन दोनों को आपने गुड्स बेची हैं। तो इसका मतलब इस लेन देन में आप देख सकते हैं कि गुड्स तो बेची हैं लेकिन ये नहीं लिखा है हमें कि नगद बेची हैं या उधार बेची है, तो हमें अगर नगद वर्ड फॉर कैश वर्ड नहीं दिया गया है तो हम इसे उधार मानेंगे। ठीक है, तो टीजे सुजान पर्सनल, काला मंदिर जो है वो पर्सनल है हमारे पास, रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब हम गुड्स बेच रहे हैं टी जी सुजान को तो वो रिसीवर हुआ, काला मंदिर को बेच रहे हैं तो वो भी हमारे पास रिसीवर हुआ, तो डेबिट द रिसीवर। तो इसलिए हमारे पास जो है ये 15th जून को हमारे पास जो जर्नल एंट्री होगी दैट इज टी जे सुजान अकाउंट डेबिट देन कला मंदिर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, अगर आपने करना है तो अपॉस्ट्रोफी कोमा एस लगा के आप अकाउंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, देन डेबिट तो आपको लिखना ही है। ठीक है, तो कितने की गुड्स बेची आपने, 4000 की टीजे सुजान को बेची ठीक है, 5000 की आपने कला मंदिर को बेची, तो 5 और 4 सेल में आ जाएगा, क्रेडिट में आपके पास 9000। ठीक है, नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू टी जी सुजान एंड कला मंदिर। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो नरेशन लिख सकते हैं। देन आफ्टर 15 हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो 29 को है। ठीक है, तो 29 को क्या ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम बबलू दी हट्टी 3000 एंड फ्रॉम मोनिका स्टोर्स 2000। तो ये इस लेन देन में आप देख सकते हैं कि बबलू दी हट्टी ठीक है एंड मोनिका स्टोर्स हमारे पास ठीक है, और कैश अकाउंट, ये तीन खाते हमारे पास आए, तो पर्सनल है रियल है, रूल हो जाता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। लेकिन इस केस में क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है किसे, बबलू दी हट्टी से और मोनिका स्टोर से, सो दे आर गिवर, और रूल क्या होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में जो हमारे पास जो है वो जो जर्नल एंट्री होगी दैट इज ऑन 29 वो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट टू किससे मिला पैसा, बबलू दी हट्टी, कैश अकाउंट डेबिट टू बबलू दी हट्टी एंड टू मोनिका स्टोर। तो कितना कितना मिला आपको, बबलू दी हट्टी से 3000 मिला ठीक है, क्रेडिट में 3000, 2000 आपको जो है वो मिला है मोनिका स्टोर से, तो टोटल 5000 आप कैश के सामने लिखेंगे। नरेशन सिंपली बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बबलू दी हट्टी एंड मोनिका स्टोर्स। तो इस तरह से जो है वो आप नरेशन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन है, द लास्ट ट्रांजेक्शन जो है वो 30 जून को आपको दी गई है और ट्रांजेक्शन आप पढ़ सकते हैं, क्या है, गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी। तो इस केस में हमारे पास दो खाते जो प्रभावित हुए वो एक चैरिटी अकाउंट और गुड्स के स्थान पर हमने आपको पहले भी बताया था कि परचेज अकाउंट आता है। अब गुड्स के रूप में चैरिटी दी, गुड्स मतलब दान के रूप में दी हैं, ठीक है, तो एक व्यवसाय के लिए एक लॉस हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, तो चैरिटी जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, किसमें आएगा, नॉमिनल अकाउंट। और तो
परचेज गुड्स की जगह यूज होता है, तो मैंने आपको बताया रियल्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स बाहर जा रही हैं तो क्रेडिट होंगी, और क्योंकि चैरिटी जो है वो एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो चैरिटी जो है वो क्योंकि एक एक्सपेंस है तो इसीलिए इसको हम डेबिट करेंगे। तो जून 30th को जो हमारे पास एंट्री हो जाएगी दैट इज चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्लियर। देन नरेशन सिंपली आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, हाउ मच रुपीज 1000 हमारे पास डेबिट में चैरिटी में और 1000 परचेज के सामने क्रेडिट में। तो इस तरह से जो है वो आज के वीडियो में हमने जो है वो अब तक के जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, रोजनामचा हम कैसे बनाते हैं, रोजनामचा में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, फॉर्मेट उसका कैसे होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होती है, कैश ट्रांजेक्शन क्या होती है, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, और ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स से रिलेटेड जो लेन देन होते हैं उसे हम कैसे लिखते हैं, तो इस न्यूमेरिकल की सहायता से आई होप कि ये कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच।